morning student, myself Om Prakash Gupta, assistant teacher Pandit Dindayal Inter College Maharashtra. Welcome to all of you in this video. Aaj hum next topic use of is MR ke bare mein padhenge. Pichle videos mein aapne this that these those ke positive negative इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी सेंटेंसेस के बारे में आपने अध्ययन किया था. अब कुछ हम आगे बढ़ते हैं अपने ट्रांसलेशन में. इंग्लिश ग्रामर के ट्रांसलेशन में यूज ऑफ इज एंड आर को फॉलो करेंगे. कैसे हम अपने प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट में इज एंड आर का यूज करते हैं. ठीक है, आइए देखें आप सबसे पहले अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसके बारे में अध्ययन करें. देखें ये आपके सामने सिंटैक्स लिखा हुआ है. जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूले वगैरह पढ़ते हैं ऐसे इंग्लिश के अपने सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए अपने सिंटैक्स पे ध्यान देते हैं. देखें इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, तत्पश्चात वर्ब और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लिखा हुआ है. कैसे हम इसका यूज करते हैं, आपने अपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा होगा. ठीक है, अब लिखा हुआ है वर्ब. अब ये वर्ब है, आप जो यूज कर रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर. ठीक है, तो यही आपके वर्ब का काम करते हैं. ठीक है, अब ये हिंदी में कहां दिखाई देते हैं आप हिंदी देखेंगे जो मैं हूं वो दिखाई दे रहा है. आप देखें इसका मतलब है एम का मतलब है हूं और आर का तो मतलब होता है या हो. ठीक है, अब हम इस लास्ट पे जो ऑप्शन है ठीक है इसको फॉलो करेंगे और अपने वर्ब को हम लिखेंगे. ठीक है, तो देखें मोहन एक लड़का है, यहाँ पे है दिखाई दे रहा है. अब इसमें देखें है कहाँ है, तो ये है इसका मतलब होता है. तो हम अब वर्ब इज लिखेंगे मोहन इज. ठीक है, अब क्या लिखना है आपको ऑब्जेक्ट लिखना है. ठीक है, बाकी एक लड़का जो है यहाँ पे क्या है वो ऑब्जेक्ट है. तो मोहन इज अ बॉय. ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा आपने सब्जेक्ट, उसके बाद एक इज क्या है आपका वर्ब. ये इज एम आर आपके सभी क्या है वर्ब है. यही को हमको फॉलो करना है सेकंड टर्म में और थर्ड में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट. वर हमारा क्या है आपका ऑब्जेक्ट है. जैसे आपने ऐसे आपने बनाया है अपने दिस दैट दिस दोज में इसी को थोड़ा सा क्या है आपने वर्ब पर फोकस कर रहे हैं. इससे पहले आप अपने दिस दैट दिस दोज को फोकस कर रहे हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल देखें. तुम एक डॉक्टर हो, क्या लिखा हुआ है तुम एक डॉक्टर हो. अब आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या हमारा तुम यू. ठीक है, तो यू अब देखें हो दिखाई दे रहा है वो इसके मतलब होता है आर का मतलब होता है. अब हमको लिखना क्या है वर्ब, वर्ब का लास्ट ऑब्जेक्ट लिखना है. तो ऑब्जेक्ट क्या है अ डॉक्टर, क्या लिखेंगे अ डॉक्टर. ठीक है, समझ आ रही बात. अब देखें तीसरा एग्जांपल देखें, मेरा नाम अमित है. अभी है दिखाई दे रहा है इसका मतलब हम इसके पास जाएंगे. ठीक है, क्यों, क्योंकि दूसरे नंबर पर हम वर्ब लिखेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है मेरा नाम माय नेम, क्या लिखेंगे हम माय नेम. अब है कि किसका ऑब्जेक्ट है इज. ठीक है, माय नेम इज. अब ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है अमित, क्या है. ऐसे ही आप अपने हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करें. ठीक है, अब देखें बाकी आपके फोर और सेंटेंसेस हैं हिंदी में उनको भी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा भी आपके पास जो कुछ भी आपके कमरे में आपके घर में आपके विंडो के सामने दिखाई दे रहा होगा उसको इज एम आर के थ्रू हिंदी में लिख करके इंग्लिश में
not go anywhere.